सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि वेयर द ट्रेजरर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन दिस बिहाफ फेल्स टू सबमिट अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 देन नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट सच पॉलिटिकल पार्टी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी टैक्स रिलीफ अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी एग्जेम्पशन लेने के लिए जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है, ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है आप लोगों के फोन में अभी तक के आ गया होगा, उसमें दोनों की दोनों चीजें हैं तो आप लोग अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसके अंदर जो मुख्य बहुत बेसिक चीजें मांगी गई हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बताए कि किससे उसको डोनेशन, नाम बताए कि किसने उसको डोनेशन दिया और उसका एड्रेस बताए कि किसने उसका डोनेशन दिया और अमाउंट बताए कितना डोनेशन दिया और ये बताए कि चेक में दिया, आरटीजीएस में दिया और 20,000 से ऊपर जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उसका इसमें जिक्र करना होता है। और जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टी देती है वो पॉलिटिकल पार्टी जो देती है इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पर डालती है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट में डाला और जो 2017-18 जिसके ऊपर जिसके आधार पे हमारे 135 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से छीन करके ले गए, हमने वो दोनों सिर्फ एनालिसिस करी। तो ये इस प्रकार से जो ये फॉर्म है ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1,297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना। और कुल कितनी राशि, 42 करोड़ रुपए की राशि, 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है, इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली। और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम सब पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ पे 42 करोड़ रुपीज जो बीजेपी ने जिसका पता भी नहीं बताया उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया, 1,297 लोगों का पता नहीं बताया, 1,297 और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है, डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है, अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा, 92 लोगों का।